महिन्यापासून रस्त्याकडेला झोपून असलेल्या वृद्धाला कॅम्प येथील सेवा फाउंडेशनने दिला आश्रमाचा आधार. कॅम्प फातिमा चर्च येथे एक वृद्ध असल्याची माहिती दरेकर व कश्मीरा मॅडम यांनी सेवा फाउंडेशन यांना कळविण्यात आले. रात्री 10 वाजता संस्थेच्या सदस्य जाऊन पाहणी करून त्या वृद्धाची चौकशी केली. त्यांच्या अंगावरचे कपडे मळकटून अंगाला वास सुटला होता. त्यांना गरम पाण्याची अंघोळ घालून जेवण दिले. यावेळी त्यांनी आपण येळ्ळूरचा असल्याचे सांगून आपली पत्नी चंदा, एक मुलगी, दोन मुले असून दोघेही लष्करात सेवा करत असल्याचे सांगितले. अकी पेपरी यांनी त्यांच्या घरी घेऊन जाण्यास तयार केले असता त्या वृद्धाने नकार दिला. आश्रमात राहण्याची तयारी दर्शविली म्हणून त्या आजोबांना गणेशपूर येथील आश्रमात ठेवण्यात आले. सेवा फाउंडेशनच्या वतीने आतापर्यंत 48 अनाथ नागरिकांना आधार दिला आहे. अध्यक्ष अल्लभक्ष बेपरी, अकी बेपरी व त्यांच्या सदस्यांनी मिळून ही सेवा बजावत याबरोबर अन्नदान, गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोय करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मैं अल्लाबक्ष व्यापारी, प्रेसिडेंट सेवा फाउंडेशन. सेवा फाउंडेशन जो है बहुत सारे सोशल वर्क करता है. अभी कल जो है रात 9:30 के करीब जो है डी आर संतोष, इन्होंने बताया कि कश्मीरा मैडम, उन्होंने कॉल किया था. उन्होंने बताया कि यहाँ पे फातिमा चर्च जो है कैंट में, वहाँ पे एक जो है बूढ़ा आदमी है जो करीबन बहुत दिनों से, यानी कि लगभग उसको देख के लग रहा था कि एक महीने या दो महीने से वो नहाया नहीं था और उसके इतने गंदे कपड़े हुए थे और वहीं पे वो सो रहा था. तो फिर जो है हम लोग सेवा फाउंडेशन के मेंबर्स जो है रात में वहाँ पे गए और फिर जो है जाके उनसे हम लोगों ने बात किया. फिर बात करने के बाद में पता चला कि वो जो बुजुर्ग हैं वो येल्लूर के हैं और वो अनाथ नहीं है. उनके जो है दो बेटे हैं जो आर्मी में हैं, वो दिल्ली में सर्विस कर रहे हैं और एक उनकी लड़की है, वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है वो घर पे नहीं रह रहे. तो यहीं पे जो है वो बेलगाम में कहीं पे भी करीबन 6 महीने से, उनके घर वाले ने बताया कि वो 6 महीने से जो है घर नहीं आए. तो तब से वो जो है बूढ़े यहीं पे घूम रहे हैं, कुछ मिल रहा है तो खा रहे हैं या फिर ऐसे ही जो है अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं. तो जैसे ही हम लोगों को पता चला, हम लोग वहाँ पे गए, उनसे बात किए, फिर जो है उनको हम लोग लेके आए. लेके आने के बाद में उनको हम लोगों ने जो है अच्छी तरह से गर्म पानी से नहला के फिर उनको कपड़े, नए कपड़े दिए, फिर उनको खाना खिलवाया. ये सब होने के बाद में हम लोगों ने उनको कन्विंस किया कि आप जो है घर जाना चाहते हैं या आपको किसी आश्रम में हम लोग जो है डाल दें. तो फिर उन्होंने बताया कि ठीक है आप जो है किसी आश्रम में जो है मुझे डाल दो. फिर हम लोगों ने यहाँ पे गणेशपुर में जो आश्रम है वहाँ पे जाके उनको जो है डाल दिया हम लोगों ने. और ये काम जो है ये फर्स्ट टाइम नहीं है. हम लोग बेलगाम में जो है करीबन ये 48 जो है पर्सन है जिनको हम लोगों ने जो है ऐसे ही, मतलब कोई अगर हमें बोल रहा है कि कहीं पे ऐसे पोजीशन में कोई दिख रहा है या घूम रहा है तो हम लोग जो है उन्हें लेते हैं, फिर उनको जो है क्लीन करके, उनको अच्छे कपड़े देके, उनको खाना वगैरह खिला के फिर आश्रम में उनको डाल देते हैं. और इसी तरह से इसके बाद भी अगर आप किसी को जो है कहीं पे कोई दिखता है जिसको हमारी जरूरत है तो प्लीज हमें कॉन्टेक्ट करें और हम लोग जितना हमसे हो सकता है हम लोग उसकी हेल्प करेंगे. सेवा फाउंडेशन जो है इसी काम के लिए बना है.